हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 10। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 9 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 10 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट में हमने क्या टॉपिक कवर किया था। लास्ट पार्ट में हम टॉपिक कवर कर रहे थे माइक्रो मॉडल ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज। इससे पहले हमने देखा कि भी कम्युनिकेशन के जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हैं, कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स हैं। एक है मैक्रो मॉडल और सेकेंड है माइक्रो मॉडल। मैक्रो मॉडल में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कि भी उसमें टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आता है माइक्रो मॉडल। माइक्रो मॉडल जो हमारा है वो है हमारे कंज्यूमर के रिस्पॉन्स से रिलेटेड, कि जब भी कंज्यूमर्स को या बायर्स को मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिसीव होती है किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड के बारे में, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स की हायरार्की, उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, किन किन स्टेजेस के थ्रू कंज्यूमर को पास होना पड़ता है उसके रिएक्शन को बनाने के लिए, या क्या रिएक्शन आता है, कैसे कैसे रिएक्शन आता है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे पास मॉडल्स हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड, वो हमारे पास 4 क्लासिक रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स हैं। 4 ऐसे क्लासिक मॉडल्स हैं जिसमें कंज्यूमर के रिस्पॉन्स की हायरार्की दिखा रखी है कि भी कंज्यूमर के रिस्पॉन्स की क्या हायरार्की होती है, या हम कह सकते हैं क्या सीक्वेंस होती है। वो हमारे 4 मॉडल्स ये थे। इन 4 मॉडल्स में से हम सेकेंड मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा सेकेंड मॉडल है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स की भी, इफेक्ट्स की क्या हायरार्की है, इस मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने जो एग्जांपल लिया था वो एक कॉलेज का एग्जांपल लिया था कि भी मान लो एक कॉलेज है पॉट्सविले, पॉट्सविले को अपना एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कंपेन शुरू करना है, तो उसे ये देखना है कि भी उसके जो टारगेट ऑडियंस है उसकी इफेक्ट्स की क्या हायरार्की होगी, कैसे कैसे वो पास करेंगे हायरार्की में। तो हमने इसके जो मॉडल है इसके 3 एलिमेंट्स को कवर कर लिया था कि भी सबसे पहले अगर आपके पॉट्सविले कॉलेज के बारे में जो आपके स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल के जूनियर्स या सीनियर्स, उनके बीच में अगर अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि भी पॉट्सविले नाम का एक कॉलेज है। उसके बाद जब उन्हें नॉलेज है तो हो सकता है सिर्फ उन्हें अवेयरनेस हो लेकिन आपके जो कॉलेज है उसके बारे में नॉलेज ना हो। नॉलेज का मतलब है कि भी स्टूडेंट्स को, जो टारगेट ऑडियंस है, उसको ये ना पता हो कि भी आपका कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। उसको ये ना पता हो कौन से सब्जेक्ट्स में आप वहाँ डिग्री या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ आपका मोटिव हो जाएगा कि भी अब आपको कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करवानी है, तो आप अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव रखेंगे ब्रांड नॉलेज, जहाँ आप ये नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे कि पॉट्सविले एक 4-ईयर प्राइवेट कॉलेज है जिसमें जो आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं वो इंग्लिश में, फॉरेन लैंग्वेजेस में और हिस्ट्री में करवाए जाते हैं। अब नॉलेज भी होने के बाद हो सकता है कि भी आपके टारगेट ऑडियंस में आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को लेके अनफेवरेबल रिस्पॉन्स हो, मतलब वो आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को पसंद ना करते हो। तो यहाँ पॉट्सविले कॉलेज को ये देखना पड़ेगा कि भी क्यों लोग, जो टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स, उसके कॉलेज को पसंद नहीं कर रहे। अगर उसे रीज़न पता चल जाता है, रियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन रियल प्रॉब्लम्स को पहले पॉट्सविले कॉलेज को फिक्स करना पड़ेगा और फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी रिन्यूड क्वालिटी के बारे में, जो उसकी अब नई क्वालिटी है उन प्रॉब्लम्स के बाद। तो ये 3 स्टेप्स थे। और पब्लिक रिलेशंस के लिए सबसे पहले आपको गुड डीड्स करनी पड़ेगी फॉलोड बाय गुड वर्ड्स। पहले आप अच्छे काम करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करें, उसके बाद में अपनी कम्युनिकेशन करें, अपने बारे में कम्युनिकेट करें। तो ये 3 जो स्टेप्स थे हमारे इस मॉडल में, जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल है, इन 3 स्टेप्स को हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। फिर 4th हमारा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा प्रेफरेंस का, जिसको आज की वीडियो में जो ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं या इफेक्ट्स हैं इनको हम कवर करेंगे। 4th हमारा है प्रेफरेंस। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, द टारगेट ऑडियंस माइट लाइक द प्रोडक्ट बट नॉट प्रेफर इट टू अदर्स। ये कह रहा है अब हो सकता है कि भी जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं नेब्रास्का सिटी के हाई स्कूल के, उनको हो सकता है आपका प्रोडक्ट, आपका कॉलेज तो अच्छा लगे लेकिन वो उसे प्रेफर नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉलेज हैं पॉट्सविले के अलावा, तो वो उनको कंपेयर कर रहे हैं पॉट्सविले से। और वहाँ जब प्रेफरेंस की बात आती है तो वो अदर कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपका जो कॉलेज है
वो उन्हें पसंद आ रहा है आपके टारगेट ऑडियंस को, दे लाइक द प्रोडक्ट बट नॉट प्रेफर इट टू अदर्स, लेकिन आपके कॉलेज को जब वो अदर कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं तब वो आपके कॉलेज को प्रेफर नहीं कर रहे, वैसे उन्हें पसंद है. द कम्युनिकेटर मस्ट ट्राई देन टू बिल्ड कंज्यूमर प्रेफरेंस बाय कंपेयरिंग क्वालिटी, वैल्यू, परफॉर्मेंस एंड अदर फीचर्स टू दोज ऑफ लाइकली कॉम्पिटिटर्स. तो अब जो हमारा कम्युनिकेटर है, जो हमारा मार्केटर है पोर्ट्सविले कॉलेज, उसको क्या करना चाहिए, कंज्यूमर के बीच में अपनी प्रेफरेंस को क्रिएट करना चाहिए बाय कंपेयरिंग, अपनी क्वालिटी को कंपेयर करें, अपने वैल्यूज को कंपेयर करें, परफॉर्मेंस को या अदर फीचर्स को टू दोज ऑफ लाइकली कॉम्पिटिटर्स, जो उसे लगता है कि भी उसके मोस्ट लाइकली कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें कंपैरिजन करके दिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि भी आपकी क्वालिटी, आपकी वैल्यू, आपकी परफॉर्मेंस या अदर फीचर्स आपके कॉम्पिटिटर से कैसे ज़्यादा अच्छे हैं. क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, बेशक जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं उन्हें हमारे प्रोडक्ट की लाइकिंग हो सकती है, लेकिन अब हमें प्रेफरेंस क्रिएट करनी है कि भी वो एज कंपेयर टू अदर्स हमारे प्रोडक्ट को या हमारे कॉलेज को प्रेफर करें. क्लियर? फिर है कन्विक्शन. अ टारगेट ऑडियंस माइट प्रेफर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट नॉट डेवलप अ कन्विक्शन अबाउट बाइंग इट. ये कह रहा है अब हो सकता है कि भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको जो आपका प्रोडक्ट है वो पसंद भी है, लाइकिंग भी है और वो उसे प्रेफर भी करता है एज कंपेयर टू अदर्स. लाइकिंग और प्रेफरेंस में फर्क है. लाइकिंग का मतलब है एज इंडिविजुअल वो पसंद कर रहा है, लेकिन प्रेफरेंस में बात आ जाती है कि वो दूसरों से, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपेयर कर रहा है. प्रेफरेंस की बात तब आती है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स. अब वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक भी करता है, वो एज कंपेयर टू अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो प्रेफर भी करता है, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं है. कन्विक्शन का मतलब अभी भी वो श्योर नहीं है. बट द टारगेट बट नॉट डेवलप अ कन्विक्शन अबाउट बाइंग इट. ये कह रहे टारगेट ऑडियंस आपको प्रेफर करती है एज कंपेयर टू अदर्स आपके कॉम्पिटिटर से, बट लेकिन एक कन्विक्शन, एक श्योर नहीं है अभी भी वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने में. द कम्युनिकेटर्स जॉब इज टू बिल्ड कन्विक्शन एंड इंटेंट टू अप्लाई अमंग स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पोर्ट्सविले कॉलेज. ये कह रहा है अब यहाँ जो कम्युनिकेटर है उसका जो टास्क है वो है अपनी कन्विक्शन को बिल्ड करना और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि भी वो आपके कॉलेज में अप्लाई करें. पोर्ट्सविले कॉलेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अब आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा कम्युनिकेशन का कि भी आप अपने स्टूडेंट्स को कन्विक्ट करें, उनके बीच में कन्विक्शन क्रिएट करें, बिल्ड करें कि वो श्योर हो जाएं कि भी उन्हें आपके ही कॉलेज में एडमिशन लेना है. लास्ट हमारा है परचेज. फाइनली सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस माइट हैव कन्विक्शन बट नॉट क्वाइट गेट अराउंड टू मेकिंग द परचेज. अब ये कह रहा है जो आपके टारगेट ऑडियंस के मेंबर्स हैं उनमें से हो सकता है कुछ का कन्विक्शन भी हो, वो श्योर भी हो कि भी आपको, वो आपको लेके श्योर भी हैं, लेकिन बट नॉट क्वाइट गेट टू अराउंड टू मेकिंग द परचेज, लेकिन अब भी वो परचेज करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वो आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है बेशक वो श्योर हो. द कम्युनिकेटर मस्ट लीड दीज कंज्यूमर्स टू टेक द फाइनल स्टेप परहैप्स बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस. अब ये कह रहा है अब वो बिल्कुल श्योर भी हैं आपके कॉलेज को लेके, उन्हें पसंद भी है, लाइक भी करते हैं, प्रेफर भी करते हैं एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स और वो कन्विक्शन भी है, श्योर भी हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, लेकिन अभी भी वो आपके प्रोडक्ट को लेके परचेज नहीं कर रहे. तो यहाँ कम्युनिकेटर का टास्क है कि भी अपने कंज्यूमर्स को फाइनल स्टेप, जो हमारा फाइनल स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट की परचेज में, कि भी वो उसे परचेज करे, एक्शन करें. तो परचेज करवाने के लिए आपको फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा, आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि भी आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो फाइनल स्टेप लें, आपके प्रोडक्ट को परचेज करें. बाय, अब कैसे करवा सकते हैं आप, बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस. या तो आप लो प्राइस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं, ऑफरिंग अ प्रीमियम और लेटिंग देम ट्राइंग इट आउट, या फिर आप ट्रायल बेसिस पे उन्हें कुछ टाइम के लिए एडमिशन दे सकते हैं. तो इस तरह के कुछ काम आपको करने पड़ेंगे और उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा ताकि आपके कंज्यूमर्स जो फाइनल स्टेप है उस तक पहुंच सकें और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें. पोर्ट्सविले माइट इनवाइट सिलेक्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू विजिट द कैंपस एंड अटेंड सम क्लासेस और इट माइट ऑफर पार्शियल स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स. ये कह रहा है अब अगर हम कॉलेज के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो कॉलेज के केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे पोर्ट्सविले कॉलेज है, अब इसने देखा कि भी जो टारगेट ऑडियंस है वो लाइक भी करते हैं, वो इसके कॉलेज को प्रेफर भी करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस और वो कन्विक्टेड भी हैं कि भी उन्हें श्योर भी हैं, लेकिन वो परचेज नहीं कर रहे, अभी भी एडमिशन नहीं ले रहे पोर्ट्सविले कॉलेज में. तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो हो सकता है कि भी या तो एक काम करें, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वाइट करें कि भी आप कैंपस में आए और कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट
अटेंड करें, या हो सकता है कि वो स्कॉलरशिप जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएं, तो वो आपके प्रोडक्ट को फाइनल जो स्टेज है, स्टेप है परचेज वाला, उस पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। चार मॉडल्स हैं, इसमें से हमने फर्स्ट को कर लिया। जो रिमेनिंग मॉडल्स हैं उनके सिर्फ आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं या इफेक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन उनको डिटेल में इस बुक में कवर नहीं कर रखा, मैं आपको वैसे कवर करवा देती हूँ। फिर हमारा है AIDA मॉडल। AIDA मॉडल में क्या होता है, AIDA मॉडल का मानना है कि भी कंज्यूमर का रिस्पॉन्स, सबसे पहले अटेंशन होगी। कंज्यूमर जैसे ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा तो उसकी अटेंशन उनकी तरफ जाएगी, अटेंशन के बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेने के बाद उसकी डिज़ायर आएगी कि हाँ ये मुझे प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसके बाद वो फाइनल एक्शन लेगा। तो ये है AIDA की फुल फॉर्म। और मोस्टली मार्केटिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ मार्केटिंग पूछी जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो ये हमारे चारों मॉडल्स हैं। क्लियर? AIDA को आपने देख लिया। AIDA में सबसे पहले जो कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन के बाद कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, अटेंशन, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, डिज़ायर आएगी, उसके बाद एक्शन होगा। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल है कि भी अगर कोई प्रोडक्ट नया इनोवेटिव मॉडल मार्केट में आता है तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए क्या रिस्पॉन्स की हायरार्की होती है या सीक्वेंस होती है। तो इनोवेशन के लिए जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसके केस में पहले अवेयरनेस होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए अभी नया है, इनोवेटिव है। अवेयर होने के बाद उनका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अगर उनका आया तो वो उसकी इवेल्युएशन करेंगे, उसके मतलब एडवांटेजेस को भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे, तो उसको इवेल्युएट करेंगे पूरा उसके बारे में। इवेल्युएशन करने के बाद पहले ट्रायल करेंगे, ट्रायल बेसिस पे एक दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखेंगे, अगर ट्रायल में उन्हें अच्छा लगता है तो फिर वो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, एडॉप्शन। तो ये है इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। इसके जो एलिमेंट्स हैं या आप कह सकते हैं स्टेजेस हैं वो ये हैं। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशंस मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होगा कि भी जैसे ही मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होती हैं उनका क्या रिस्पांस होता है कंज्यूमर को जैसे ही वो रिसीव होती हैं, तो कम्युनिकेशन के केस में पहले वो एक्सपोजर होगा, पहले उन्हें एक्सपोज करेंगे आप जो भी कंज्यूमर है उसको उस मार्केटिंग स्टिमुली के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फिर वो उसे रिसीव करेगा, रिसीव के बाद उसका कॉग्निटिव रिस्पॉन्स आएगा, माइंड से वो सोचेगा, उसके बाद एटीट्यूड डेवलप होगा, एटीट्यूड के बाद वो इंटेंशन बनाएगा, इंटेंशन के बाद उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर आएगा, इंटेंशन के बाद हो सकता है वो परचेज कर ले ना परचेज करे, तो बिहेवियर होगा। ये है हमारा कम्युनिकेशन का मॉडल। लेकिन इनके जो स्टेप्स हैं कॉग्निटिव में एग्जाम्स में बारीकी से पूछा जाता है कि भी कम्युनिकेशन मॉडल के कॉग्निटिव स्टेज में कौन से स्टेप्स हैं, तो आपको ये तीन के साथ एक और दे दिया जाएगा एटीट्यूड। तो आपको वो ओड को छांटना है कि भी हमारे ये तीन तो कॉग्निटिव में है और एटीट्यूड हमारा किस में है, इफेक्टिव। तो इस मॉडल को आपको रट के जाना है। समझा मैंने दिया कि भी क्या क्या स्टेजेस हैं, मीनिंग आपको पता चल गया कि भी क्या क्या मीनिंग है, तो अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। ये थे हमारे चारों मॉडल्स। क्लियर? उसके बाद जो अभी हमने मॉडल डिस्कस किया है, सेकेंड मॉडल हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, उसके बारे में नीचे कुछ दे रखा है। टू सी हाउ फ्रेगाइल द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, ये कह रहा है अब आप ये देखें कि भी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कितना फ्रेगाइल है। इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि भी अगर आप जो ये छह स्टेप्स अभी हमने पढ़े हैं कि भी पहले कंज्यूमर अवेयर होगा, फिर नॉलेज होगी, फिर लाइक करेगा, फिर प्रेफरेंस होगी, फिर कन्विक्शन होगी और फिर परचेज होगा। क्लियर? ये छह स्टेप्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो आप ये मान के चले हर एक की 50% प्रोबेबिलिटी है, तो 0.5 हो गया। छह स्टेप्स हैं, छह बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज निकल के आएगी वो ये। अगर प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्टेप्स ऑकरिंग वर ऑन एवरेज अ मोर लाइकली टू 10%, और प्रोबेबिलिटी हम हर एक स्टेप की मानते हैं कि हर एक स्टेप की 10%, तो आप ये देखें ये निकल के आएगी। और लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें इस बात को सिंपल सी लैंग्वेज में, तो ये है कि भी एक का चांस है आउट ऑफ 10 लाख, 10 लाख में से 1% का चांस है कि भी आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो रिसीव करेगा और बाय करेगा आपके प्रोडक्ट को। क्लियर? तो ये कह रहा है टू इंक्रीज द ऑड्स ऑफ सक्सेस फॉर अ कम्युनिकेशन कंपेन, मार्केटर अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट ईच स्टेप ऑकर्स, फॉर एग्जाम्पल द आइडियल एड कंपेन वुड इंश्योर दैट। ये कह रहा है अगर आपको आपके जो ये ऑड्स हैं सक्सेस के, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस को अभी हमने देख लिया कंपेन को कि भी उसके कितने चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, कि भी 10 लाख में
एक चांस है कि भी एक बंदे का चांस है कि भी आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके लिए सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है मार्केटर मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट ई स्टेप अकर्स। तो इसलिए जरूरी है कि भी आपका जो कंज्यूमर है वो आपके हर एक स्टेप के थ्रू जाए, मतलब अगर उसको अवेयरनेस हुई है तो अवेयरनेस इस टाइप की होनी चाहिए कि भी उसकी नॉलेज गेन करने की एक इच्छुक हो कि भी नहीं मुझे इसके बारे में जानना है, नॉलेज गेन करनी है। अगर उसने नॉलेज गेन कर ली तो उसके बाद आप लाइकिंग भी क्रिएट करवाएं अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर लाइकिंग भी क्रिएट करवा ली तो आप उसकी प्रेफरेंस भी बनाएं कि भी अदर से एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स वो आपको प्रेफर करें। उसके बाद आप कन्विक्शन भी करवाएं कि वो आपके प्रोडक्ट को लेके श्योर हो जाए, उसके बाद वो उसको फाइनल परचेज भी करे, ऐसे भी कुछ आप स्टेप्स लें। तो ये कह रहा है मार्केटर को ट्राई करना चाहिए कि भी हर एक जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारे हर एक स्टेप के थ्रू होके जाए, और इसके लिए उन्होंने आइडल एड कंपेन के लिए कुछ इंश्योर किया है। वो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।